अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल रोज़ा स्टिचिंग हसन एंड ब्लॉग। हमने बचे हुए कपड़े से बेबी फ्रॉक बनाना सिखाया है। उनकी लेनी है हमें 4.5 शोल्डर है, 4.5 मुंडा खोली, 4 छाती, 7.5 इस तरह शेप देकर कट करके लेंगे। हमने छाती के बराबर कमर ली है। यहाँ से 1.5 इंच गले की लेंथ लेंगे। लेंथ लेकर 1 इंच आगे जाकर यहाँ से गले की लेंथ दे और 1 इंच आगे जाकर इस आर्म होल को यानी मुंडा खुली को यहाँ पर मिला कर देंगे। ये स्लीव्स कुछ इस तरह दिखेंगे। ये 4 फोल्ड कर लिया है हमने। इसको स्लीव्स बलून वाले स्लीव्स बनेंगे बेबी के। 2.5 के स्लीव्स है उसके, तो ऊपर 2.5 इंच बढ़ाकर 2.5 के नीचे 1 इंच के नीचे 8 इंच लेकर ये शेप दे लेंगे। कुछ इस तरह से दिखेगा ये। हमने लेंथ ली है 5, 2.5 के नीचे 1 इंच आकर यहाँ पर शेप दिया है 8 इंच। ये लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना बलून अपना फेरेगा, ज्यादा भी ले सकते हैं। गले की लेंथ 3.5 लेकर इसको काट कर लेंगे। ये 4 घड़ी है, आगे पीछे का हम गला एकदम काट रहे हैं। ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब इस गले को क्रॉस पट्टी लगा कर लेंगे, ये वाली। तैयार है। बैक में हम चेन लगा कर लेंगे। ये सेंटर से काट लिया है मैंने गले के। इसको यहाँ से कमर से 1 इंच ऊपर तलक सी लेंगे। इस तरह दिखेगा और इसको चैन लगा कर लेंगे, ये वाली। ये चैन लगाने के लिए हमें सिंगल दाब यूज करना पड़ेगा। अभी ये इस तरह हमें दिख रहा है, यहाँ पर सिंगल दाब से ठीक कर लेंगे। इस बाजू भी फिट कर लेंगे।
सिंगल दाब पर सीते समय यहाँ का ये थोड़ा सा ऐसा साइड में कर हम अगर मारे तो हमारे इनविजिबल चैन बहुत अच्छे से बचते हैं। इस तरह हमारे चैन यहाँ पर बैठ गए। अब जितना एक्स्ट्रा है इसको काट देंगे। और यहाँ पर टिक मार लेंगे। यहाँ पीछे हमें गला लगाते हैं। चैन लगाने के बाद ही हमें क्रॉस पट्टी लगाना है। शोल्डर जोड़ कर लेंगे। अभी स्लीव लगा लेंगे। स्लीव को सेंटर में यहाँ पर रखकर यहाँ पे हम थोड़े से स्प्रिल ले लेंगे चुनी। एक बापर सीख मार। अब ये चुनी जहाँ पर है उसके अपोजिट में यहाँ से उसी साइड में चुनी लेंगे। इसको अभी यहाँ पर हम कोट पट्टी लगा लेंगे। इस तरह से ये यहाँ पर चार कोना चार घड़ी करके यहाँ पर हम ये कमर का माप।